नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुजते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण बहुत बढ़िया ढंग से जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो कहते हैं कि किस तरह से भगवान अवतार लेते हैं और उस अवतार के बाद जब अवतार किस तरह से लेते हैं और अवतार के साथ साथ क्या करते हैं, वो लोगों का कल्याण करते हैं। अवतार किस लिए, उनको आने की जरूरत नहीं है लेकिन वो आते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए आते हैं। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप सब लोग सुनने बैठ रहे हैं भागवतम के बहुत महत्वपूर्ण दो श्लोक 2.7.14 और 2.7.15। ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों श्लोक आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। जब इस समय भयंकर कोरोना काल चल रहा है तो जो आत्मरक्षा के लिए जो श्लोक जरूरी है वो दोनों बहुत अच्छे श्लोक हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं। त्रैपिष्ट पूर्भयः सनृसिंह रूपं कृत्वा भ्रमद भ्रुकुटि दृष्टि कराल वक्त्रं दैत्येन्द्र माशु गदयाभिः पतन्त माराद ऊरौ निपाते विदधार नखैः स्फुरन्तम्। ये है 2.7.14। जब जो है इसमें नरसिंह भगवान के बारे में बताया गया है। कहते हैं श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार लिया। तो देवताओं के भय को जब उस समय देवता बहुत भय में थे, जितने देवतागण थे भय में थे, जितने लोग थे जनमानस थे वो भय में थे। जैसे आज लोग भय में है, किसी को पता नहीं कि कब क्या हो जाए। उस समय देवता लोग भय में थे और उस समय किसने भगवान विष्णु के पास जाकर के उनसे उनकी पूजा इत्यादि करते हैं और कहते हैं कि अरे आपको आना ही पड़ेगा। और वो मूर्ख हिरण्यकश्यपु क्या करता है, भगवान से युद्ध करने के लिए कूद पड़ता है, भगवान से लड़ाई करने के लिए आ जाता है, भगवान से लड़ने के लिए आता है और अंततः वो जो है मारा जाता है। क्योंकि उसने ऐसा प्लान किया, ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी से कहता है कि मुझे क्या दे दो, अमरता दे दो, मैं कभी मरना नहीं चाहता।
ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो अमर हूं नहीं, मैं तुमको कहां से अमरता दे दूं। तो कहता ठीक है, मुझे आसमान में ना मरूं, मैं जमीन में ना मरूं, मैं इधर ना मरूं, उधर ना मरूं, सुबह ना मरूं, रात को ना मरूं, दिन में ना मरूं, ऐसे कहकर उसने बहुत कंडीशन दे दी। ब्रह्मा जी सुनते रहे और चेकलिस्ट बनाते रहे, ठीक है ओके भाई चलो अप्रूव, तुमको इन सब परिस्थितियों में नहीं मरोगे। आप वो जब इसको मिल गया करते मरूंगा ही नहीं, तो देवताओं को परेशान करने लगा, सभी को परेशान करने लगा। वो अगर एक बार देख लेता था जिधर युद्ध के लिए दृष्टि से, वहीं पे लोग कांपने लगते थे। तब नरसिंह भगवान इतनी भयंकर हिरण्यकश्यप से भिड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ताकि सबकी रक्षा हो सके, भगवान स्वयं नरसिंह रूप में आते हैं। इसलिए जिसको कभी किसी बात का भय हो, किसी को अंदर से महसूस हो रहा हो कि अरे मुझे जो है कैसा भय, मुझे पता नहीं क्या आना हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, अगर किसी प्रकार का किसी को भय है अगर, तो उसको क्या करना चाहिए, भगवान नरसिंह भगवान का उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीष्मम भद्रम मृत्युम नमामि हम। ये जो है पढ़ना चाहिए, ये लगातार पढ़ने लगी। जब जब कभी भयंकर डर लगे, जब ये इसको पढ़ते हैं तो अंदर से भय खत्म हो जाता है। और जो भय से जो आने वाली चीजें हैं जिसपे लगता है कि अरे ये तो मुझे बहुत डरा के रख रहा, जिससे मुझे डर लग रहा है, वो सब आपसे बहुत दूर हो जाते हैं। तो जो है ऐसे कह के इन्होंने नरसिंह भगवान का अवतार लिया, और जब ये गदा लेकर के नरसिंह भगवान से लड़ने आ गया, हिरण्यकश्यप कहता अच्छा मैं आता हूँ लड़ने के लिए, लड़ने आया। तो हिरण्यकश्यप ने को जो है नरसिंह भगवान ने अपने गोद में बिठाया और नाखूनों से चीर दिया, इतना खतरनाक। उनको लग महसूस नहीं हुआ कि ये भी ऐसा भी कुछ कंडीशन भगवान बना सकते हैं, अपने भक्त ब्रह्मा जी की बात को पूरा करने के लिए कैसा कैसा रूप रख के आ जाते हैं। देखिए कभी हिरण्यकश्यप के लिए मारने के लिए नरसिंह बन जाते हैं, कभी वराह बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कच्छप बन जाते हैं, भगवान किसी भी रूप में। तो कहते हैं भगवान किसी भी रूप में है, लेकिन वो क्या करते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान का नाम प्रहलाद महाराज जो बचा रहा था, और भगवान का नाम ही हमारी रक्षा करेगा। और इससे जबरदस्त भयंकर श्लोक, जिसमें एक भक्त कैसे बुलाता है, अभी तक तो हम देख रहे थे भगवान अवतार ले रहे हैं, अब भक्त कैसे बुलाता है, वो है 2.7.15 में इस श्लोक को, और 2.7.15 और 16 ये बहुत जरूरी है एक्चुअली, लेकिन हम लोग अभी 15 करेंगे। कहते हैं अंतः सरस्य युरुबलेन पदे गृहीतो राहेर युत्पत्ति रंभुजहस्त आर्तः आहेर मालि पुरुषाखिल लोकनाथा तीर्थ श्रवा श्रवण मंगल नाम धेया। कह रहे हैं कि एक समय क्या था, एक मगर था, मगरमच्छ जिसका नाम ग्राह था, वो ग्राह पानी के अंदर चलता था, और उसी के अंदर एक जो हाथियों का जो राजा था यानी नेता लीडर, उसका नाम गजेंद्र था, वो अंदर चला गया पानी के अंदर, और जाकर के वो क्या करता था, स्नान कर रहा था, खुद भी स्नान कर रहा था और सबको स्नान, अपने बच्चों को स्नान करा रहा था, अपनी बीवियों को स्नान करा रहा था, और सबको स्नान भी करा रहा था फवारे मार मार करके। उधर से जो है तभी वो बलशाली मगर आया। आप जानते मगरमच्छ से हाथी ज्यादा बलशाली होता है, लेकिन अगर हाथी जमीन में है और मगरमच्छ भी जमीन में है तो हाथी अपने पैर से कुचल के मार देगा, लेकिन यहाँ उल्टा था, हाथी पानी में था और मगरमच्छ पानी में था, मगरमच्छ पानी के अंदर ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो उसने क्या किया, हाथी का पैर पकड़ लिया, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, और जब गजेंद्र का पैर पकड़ लिया तो गजेंद्र 1000 साल तक युद्ध होता रहा दोनों के बीच में। आपको लगता होगा 1000 साल की सब क्या कहानी है, पहले 1000 साल जैसे आज के 10 दिन वो निकलते खटखट निकलते हैं, वो लड़ रहे हैं उनको पता नहीं चला कितने साल तक लड़ते चले गए, और वो लड़ाई कर रहे हैं वो गजेंद्र और उनके बीच में युद्ध चल रहा है बिल्कुल। कहते हैं कि अब गजेंद्र बिल्कुल जब फंस गए, तो आज स्थिति क्या है, आज इस कोरोना के पीरियड में जिस समय मैं अभी जब भी देखता हूँ कुछ कोई भी व्हाट्सएप में आ रहा है तो हाहाकार मचा हुआ है लोगों को ऑक्सीजन। देखिए भगवान ने जिस ऑक्सीजन को हमें बचपन से आज तक रियलाइज किया, क्या कि कितने हम जो है हम कितनी मुफ्त में ऑक्सीजन ले लिए,
और भगवान को थैंक यू तक नहीं बोला, भगवान को एक धन्यवाद तक नहीं बोला। हमने इतनी ऑक्सीजन बचपन से लेते गए, खूब सा ऑक्सीजन ले रहे हैं, और आज जब पता चला तो एक एक लाख का एक सिलेंडर 50-50 हजार 75-75 हजार मांग रहे हैं, एक 5 घंटे 10 घंटे चलने वाले सिलेंडर के लिए। कितना भयंकर हाहाकार मचा हुआ है, वही हाहाकार इस समय गजेंद्र के पास मचा हुआ है। गजेंद्र कह रहा है, तो इस समय गजेंद्र ने क्या किया, खुद संघर्ष नहीं किया, उसने अपने साथ एक को बिठा लिया, और किन को बिठा लिया, भगवान के नाम को बिठा लिया अपने साथ। इस परिस्थिति में अगर कोई बिल्कुल दुविधा में फंस गया है, संकट में फंस गया है, तो उसको आत्मरक्षा के लिए एक जरूरी चीज करनी चाहिए, क्या, भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। दिन भर लिए कोई दिक्कत नहीं, अरे जो भी स्थिति है वो तो करना है, संघर्ष करिए, ऐसा नहीं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर मत ढूंढिए, आप मत प्रयास करिए, सब कुछ प्रयास करिए, लेकिन साथ में भगवान का नाम लगातार लीजिए। इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। इधर इसने क्या किया कि इसने अपने सूंड में कमल लिया, पिछले जन्म में भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, किसी कारण से हाथी बन गया था, वो बताऊंगा बाद में, आगे आएगा अष्टम स्कंद में आएगा। तो उसने सूंड में लिया कमल और ऊपर की ओर करके ऐसे बिल्कुल दिखा करके भगवान की तरफ, श्री विष्णु की तरफ दिखा करके, बड़े ही आर्तचर्य अत्यधिक पीड़ित भाव में। तो जब हम भगवान भक्त अपने भगवान को बिल्कुल हृदय से बड़ी पीड़ा के साथ बुलाता है, रो करके बुलाता है, दुखी भाव में बुलाता है, पूरे हृदय से बुलाता है, भगवान जरूर आते हैं। कहेंगे हमको, हमारे लिए तो भगवान नहीं है, आज कभी ऐसा बुलाया है क्या, कभी ऐसा बुलाइए, भगवान नाम के रूप में आएंगे, जरूरी कि भगवान अपने वही पूरे चतुर्भुज में आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान जिस तरीके से आएंगे वो तरीका ऐसा होगा कि आपका काम हो जाएगा, भगवान किसी भी फॉर्म में आए। एक साधु जब भूखा बैठा हुआ था तो भगवान लल्ला बनकर के आए थे, बच्चा बनकर के, ग्वाला बनकर आए, उसको एक कटोरी दूध दिए, बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा कौन साधु कौन, वो पी लिया, उन्होंने कहा लेकिन पी लिया लेकिन लल्ला कुछ जाना पहचाना लग रहा है, पता चला दिन रात इसकी सेवा कर रहे हैं वही है लल्ला है। तो अब इधर जो है वो कहते हैं कमल के फूल को अपने सूंड में लेकर के ऐसे पीड़ा के साथ क्या बोलते हैं, कह रहे हैं आह आह, मतलब संबोधन किया, आह एदम, इस प्रकार से कैसे संबोधित किया, आदि पुरुष यानी आदि भोक्ता, आप ही परम भोक्ता है, यानी तो हम भी यानी भगवान और जीव दोनों चेतन है, दोनों चेतन है, तो दोनों ही भोक्ता है, लेकिन भगवान आदि भोक्ता है और हम थोड़े थोड़े भोक्ता है, है ना। तो कहते हैं जैसे चींटी है, चींटी को अगर एक दाने चीनी का एक दाना मिल जाए तो उसको खाती रहेगी, धीरे धीरे खाती रहेगी, उसका तो पार्टी हो गई। लेकिन आपके लिए एक दाना चींटी का क्या है, यानी आप सोचिए जो आदि भोक्ता भगवान है, आदि भोक्ता वो कौन है, वो भगवान कृष्ण है, और उनके लिए बोल रहे हैं ये गजेंद्र कि आह यानी आहे मादि पुरुष यानी आदि पुरुष अखिल लोकनाथ, ब्रह्मांड के स्वामी है आप, यानी ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, कुछ भी है, वो किसका है, भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। अब सब कुछ भगवान का है तो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो भगवान का समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा है, ये मेरी चीज है, सब कुछ भगवान का है, भगवान ने हमको केवल इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हम इसलिए भगवान को न सोच करके क्या कर सोचते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, और इसीलिए हम फंसे रहते हैं। तो जब गजेंद्र ने बोला कि आप कौन है, आदि पुरुष है, मतलब आदि भोक्ता है, सब कुछ का आप ही भोगते हैं, बाकी हम तो बिल्कुल आप ही नियंता है, आप ही भोगता है, और अखिल लोकनाथ मतलब ब्रह्मांड के स्वामी है। अगर आपको बोला आप घर के स्वामी है तो मतलब उस घर में रहने वाला पेन पेंसिल रबर झाड़ू पोछा टीवी बेड सोफा सब कुछ के स्वामी है ना आप, ऐसा तो नहीं केवल दीवार के स्वामी है। तो जब गजेंद्र बोल रहा है कि आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मतलब भगवान यहाँ के पेड़ पत्ती पत्थर पहाड़ नदियां जीव मच्छर सबके स्वामी है, हमारे आपके सबके स्वामी है, और जब सबके स्वामी है तो हम जो खाना खाने वाले हैं उसके भी स्वामी है, वो जो हम कपड़ा पहन रहे हैं उसके भी स्वामी है, वो हम जो भी कर रहे हैं उसके स्वामी है। जब उसके स्वामी है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले भगवान को दिखाना चाहिए, क्या मैं पहन लूं, आप कपड़ा नया खरीद के लाइए तो पहले भगवान को दिखाइए, क्या मैं पहन लूं,
और भगवान को पहली देह में कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ। और इसी प्रकार आप जब जो है खाते हैं कुछ तो भगवान को अर्पित करिए, देखिए मैं खाने जा रहा हूँ, आप इसको टेस्ट करके देखिए, आप बताइए क्या मैं खा लूँ, क्या ये मेरे खाने योग्य है। ऐसे करके भगवान से वार्तालाप करिए, क्योंकि भगवान सब चीज के स्वामी है। फिर कहते हैं तीर्थ श्रवा, तीर्थ स्थल की भांति आप विख्यात हैं, गजेंद्र जी बोल रहे हैं। फिर मतलब तीर्थ श्रवा, जिस तरह से आप तीर्थ में जाते हैं ना, वृंदावन जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, जमुना में स्नान करते हैं, और आगे जो है अलग अलग जगह आप तीर्थों में जाया करते हैं, हर जगह जाकर के आप जाकर के वहां क्या क्यों जाते हैं तीर्थ, ताकि आपके पाप नष्ट हो जाए। गजेंद्र क्या करें, आप ही तीर्थ हैं, आपका नाम ही तीर्थ है। एक बार अगर आपका नाम कोई ले ले तो उतने जीवन में पाप नहीं कर सकता जितना एक नाम से पुण्य मिल जाता है। तो गजेंद्र इस तरह से उनको बुला रहे। तो सोचिए अब अगर हम किसी भी परिस्थिति में फंसे हैं, अभी इस कोरोना का काल भयंकर चल रहा है, अगर भगवान का नाम हम लगातार स्मरण करते रहे, बोलते रहे, तो भगवान का नाम हमारी रक्षा कर रहा है। जब प्रहलाद महाराज को जहर दिया गया, जब उनको हाथी के नीचे डाल दिया गया, ऊपर से फेंक दिया गया आग में, होलिका के साथ बिठा दिया गया, अलग अलग प्रकार की उसमें उनके साथ अत्याचार किए गए, लेकिन क्या हुआ, वो क्या लेते थे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कृष्णा कृष्णा, और ऐसे नाम ले लेकर के उनके साथ क्या था, उनकी रक्षा हो रही थी। अगर आप किसी भी पेशेंट को देखिए, कोरोना पेशेंट है, उसको परेशानी हो रही है, अगर वो उसके नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही क्योंकि सांस की प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए नाम लीजिए कि मैं आपके लिए नाम लेता हूँ, वो आ नाम उसको रक्षा करेगा। ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, आप करके देखिए। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीष्म भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम। अरे मृत्यु में भी जो मृत्यु में भी जो विजय प्राप्त दिला दे, वही तो नरसिंह भगवान है। मृत्यु भी किसी की अगर आने वाली तो उसमें विजय प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। तो इसलिए जो है अगर ये श्लोक आप लगातार पढ़िए, किसी भी तरीके का भय अंदर, और हरे कृष्ण महामंत्र को लगातार जपिए, जिसके लिए भगवान का नाम ही रक्षक है। और कहते हैं तीर्थ श्रवा श्रवण मंगलम, जिनके नाम सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, गजेंद्र जी बोल रहे हैं। अरे जिनका केवल नाम सुनने का, भगवान कृष्ण का केवल कोई नाम सुन ले तो कल्याण हो जाता है। आप सब भगवान कृष्ण का नाम कितना सुनते हैं, कल्याण क्यों नहीं होगा? और कल्याण होने का मतलब क्या है, भगवान कहते हैं कल्याण होने का मतलब क्या है, कहते हैं कि कुंती पुत्र से कौनते या प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मतलब कौनते या कहते हैं हे कुंती पुत्र प्रतिजानी, मतलब घोषणा कर दो, प्रतिजानी है मतलब घोषणा कर दो, क्या घोषणा कर दो, ना मे मतलब ना कभी नहीं, मे मतलब मेरा भक्त 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 जो है प्रणश्यति नष्ट होता है, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते, मेरे भक्त को कभी विनाश नहीं होता, भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। आप कोई कहे अरे प्रभु जी क्या करें, हम तो नॉनवेज खाते हैं, हम तो जो है शराब पी रहे हैं या शराब पीते थे, भगवान हमारी क्यों सुनेंगे, भगवान हमको क्यों मानेंगे कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम नाम मिलेंगे भगवान कहेंगे तू तो शराब पीता है, दारू खाता है, दारू पीता है, नशा करता है, सब कुछ करता है, भगवान क्या कहते हैं कि उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कोई लगातार ऐसा कार्य कर भी रहा है तो भी वो कैसा माना जाता है, वो साधु माना जाता है। तो भगवान इसको 7.16 में बोला है, अगर आप 7.16 देखेंगे तो कहते हैं 7.16 में अलग है, भगवान कहते हैं इसमें 9 पॉइंट में बोलते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा देख आप देख लीजिए 9.13 है शायद, नहीं मैं आपको बताता हूँ श्लोक कौन सा होगा। जैसे भगवान कहते हैं कि मैं जो है अगर कोई लगातार इवन घड़ित से घड़ित काम भी कर रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है जिसकी वजह से वो सोच रहा है कि वो इतने पाप कर्मों में लिप्त है, वो किस तरह से जीवन में भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ पाएगा, यानी अपने पापों को मुक्त कर पाएगा, तो भगवान कहते हैं ऐसा मत सोचो, उसको भी साधु मानना चाहिए। तो इस तरह से करके भगवान हमारे लिए कितने दयालु हैं, हर तरह से हमारी रक्षा करने के लिए वो बने हुए हैं। फिर अब हमारे भगवान का नाम लेने से मैं आपको थोड़ा सा श्लोक दे देता हूं ताकि आप लोग जो है उसको देख लीजिए। हाँ कहते हैं कि
अगर कोई यह व्यक्ति मानता है कि मैं किसका, अगर कृष्ण की पूजा करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, यानी मैंने नाम तो ले लिया मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें एक ज्ञान ये प्राप्त हो गया कि मैं भगवान हूँ, यानी मैं ही सब परम भोक्ता हूँ, मैं ही परम नियंता हूँ, और तुम अगर इसको तुम्हें केवल एक यही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, अगर यही ज्ञान प्राप्त हो गया तुम्हें तो तुम्हें केवल एक ही चीज ध्यान रखना है कि तुम्हें मेरा नाम स्मरण करना है। कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम विजानन्ति तत्वे नाथ शवन्ति च। यानी भगवान कहते हैं मैं ही तुम्हारे सारे कार्यों का भोक्ता हूँ, जो भी तुम कार्य कर रहे हो मैं भोक्ता हूँ। इधर ये गजेंद्र बोल रहे हैं क्या कि जिनके केवल नाम के सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, और फिर कहते हैं नाम धेय जिनका पवित्र नाम जप के योग्य है। नाम धेय गजेंद्र बोल रहे हैं, अगर गजेंद्र ने बोला नाम धेय तो मतलब क्या है कि उनका केवल नाम जप, उन्हीं का नाम जपने के योग्य है। तो अगर कभी भी आपको अंदर से महसूस होता है कि मुझे क्या करना है, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, तो कहते ना दवा दुआ और दवा दोनों एक साथ करना चाहिए। आज सब लोग कैसे फंसे हुए हैं, सब उस विकट संकट में फंसे हुए हैं जब उनको पता नहीं कि उनको क्या करना है। अगर आप उस विकट संकट में फंस गए हैं तो केवल दवा मात्र से काम मत चलाइए, क्या करना है, दुआ को भी आपको करना है। और दुआ क्या है, भगवान के नाम का स्मरण। तो इस तरह से गजेंद्र ने क्या किया, गजेंद्र जब ऐसे बोला तो भगवान इतनी तेजी से आए, इतना तेजी से। अब भगवान ने जब देखा अरे मेरा भक्त तो वहां बहुत परेशान हो रहा है, लगातार गजेंद्र के जो है बिल्कुल पैर फंसा लिया है और जो है और अब ये निकल नहीं सकता, तो भगवान कैसे आ रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं अपने गरुड़ में सवार होकर के। और जब गरुड़ में सवार होके आते हैं तो क्या कहते हैं वो, क्या लगता है गरुड़ बहुत स्लो चल रहा है, धीरे चल रहा है, मेरा भक्त मुझे ज्यादा तेज बुला रहा है और गरुड़ स्लो चल रहा है, बड़े कितना धीमे चलने में लगा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। और वो जब बोल रहे हैं तो भगवान कूद जाते हैं गरुड़ से, जंप लगा देते हैं वहां से, कहते हैं क्यों, गरुड़ से ज्यादा तेज तो मैं पहुंचाऊंगा अपने भक्तों के पास। सोचिए जितनी देर में भगवान जो है, तो कहे अरे भगवान कहां, ब्रह्मांड के बाहर, कैसे इतनी जल्दी आ गए, वो हमारे सोच के बाहर है। भगवान को दिल से चीख करके बुला के देखिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चीख करके हृदय से एक बार बुला के देखिए। भगवान आपको आपकी सेवा आपके रक्षा के लिए ऐसे भाग करके आएंगे कि आपको लगेगा इतना तेजी जल्दी कैसे भगवान आ गए। अगर भगवान से चाहते हैं कि वो रक्षा करें तो भगवान की भक्ति भी उसी स्पीड से करनी है। तो फिर गजेंद्र को आते हैं और सीधे मगर के मुंह में, मुंह के ग्राह के मुंह के टुकड़े टुकड़े, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और गजेंद्र उसके सूंड से बाहर निकालते हैं। बहुत अच्छी कथा है, अष्टम स्कंद में आएगी है। तो अब जो इतना सुनने के बाद जब आप किसी को कथा ऐसे बोलते हैं, बताते हैं कि देखो गजेंद्र के साथ इतना अच्छा हुआ, उसने इतना अच्छा किया, तो भी जो है कई लोग कहते हैं अरे सब झूठ है, कुछ सही नहीं है, भगवान क्यों आएंगे। तो भगवान ने उनके लिए स्पेशल कुछ बोल रखा है, 7.15 में बोल रखा है, क्या बोलते हैं, नमाम दुष्कृत मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहृत ज्ञाना आसुरं भाव माशिता। कहते हैं वो जो लोग निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में भी अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति में है, असुर लोग कहते हैं अरे भगवान कुछ नहीं, देवताओं से लड़ने चले जाते हैं। सोचिए हिरण्यकश्यप स्वयं नरसिंह भगवान से लड़ रहा है, विष्णु का दुश्मन बना बैठा है, कहते हैं ऐसे धारण करने वाले हैं ये दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, इतना सुनने के बाद भी शरण ग्रहण नहीं करेंगे। तो जितना प्रचार हो सके उसको जो है करना चाहिए, ताकि सब लोग कभी ना कभी कोई ना कोई जो है आपके बात सुन करके अगर किसी में परिवर्तन आता है, किसी उसका जीवन का रक्षा हो गया। दान में देना है तो क्या देना है, भगवान का नाम देना है। दीजिए, जितना भगवान का नाम देंगे दान में उतना ही उत्तम रहेगा। जो मैंने बोला ना कि सब कुछ, जब गजेंद्र बोलते हैं कि सब कुछ आपका है, यानी आप कौन है, आप हैं लोकनाथ, यानी अखिल लोकनाथ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं आप, तो उसको जो है ईशोपनिषद में बोला है, क्या बोला गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजी था माम कृदा कस्य स्विद्धनम।
कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा ही नियंत्रित है, मतलब भगवान की ही है प्रत्येक, मतलब आपके घर में रखा हुआ सब कुछ, चम्मच थाली प्लेट कटोरी झाड़ू पोछा, जो भी घर में दरवाजे खिड़कियां टीवी जो भी घर में आपके पास है, वो सोचिए भगवान द्वारा क्या है नियंत्रित है। आप सोचिए आप जब घर से जाते हैं तो क्या चिंता करके जाते हैं चोर चोरी ना कर ले, है ना, और आप ताला लगा के जाते हैं, और जब घर में आते हैं कभी कभी देखते चोरी हो गया, क्या प्रभु जी आप तो कह रहे भगवान द्वारा नियंत्रित है तो जो ये चोरी कैसे हो गया, अरे क्योंकि आपका नहीं ना, हो सकता वो उसका, भगवान उसको देना चाह रहे थे, है ना, कई बार ऐसा होता है। तो कहते हैं और उन्हीं की संपत्ति है, भगवान की ही संपत्ति है सब कुछ, तो आपको दिया थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए उसको दे दिया थोड़ी देर के लिए उसको दे दिया तो परेशान क्या होना, संपत्ति सब कुछ भगवान की है। फिर कहते हैं अतः मनुष्य क्या चाहिए कि केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यकता है। अगर आपने अपनी आवश्यकता से ज्यादा सामान भर लिया जो आपकी आवश्यकता का नहीं है, बाकी सब सामान दे दीजिए, बांट दीजिए, दान कर दीजिए, क्योंकि आपको जितनी आवश्यकता उतनी ही रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामान में अपना अधिकार जताकर अपने पास रख लेना ये चोरी कहलाती है। और तो और ये मान गया कि सब कुछ भगवान का है, अगर सोचिए अब आप सब वो भी भगवान का है ये भी भगवान का है, अगर वो भगवान का सामान किसी ने ले लिया तो हो सकता है तो आपके मन में क्या आएगा, अरे भगवान के सामान लेके गया, हो सकता है भगवान उसको देना चाह रहे थे, अभी तक मेरे पास था और उसने ले लिया, ये हमारे मन में विचार आना चाहिए, तब ये विचार मन में आता है। और क्योंकि हम तब क्या मानते हैं उस गजेंद्र जब की तरह, जब हम ऐसा मानते हैं तो हमारा हृदय सात्विक होता है निर्मल होता है, और भगवान के प्रति हम करुणा से भगवान के प्रति अपने पूरे अदाह प्रेम से उनको बुलाते हैं, और जब कृष्ण 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 ऐसा करते हैं तब होता है नयनम गलत सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निश्चितम बपु कदा तब नाम दृढ़े भविष्यति। भगवान का नाम लेते ही आंखों में अश्रु की धारा बह जाती है, गला गदगद हो जाता है, शरीर गला रुंध जाता है, शरीर गदगद हो जाता है, ऐसा पूरा ये भाव मरते हैं, और तब प्रेम पैदा होता है और तब जाके अंदर से शांति मिलती है। इसलिए इस भयंकर तूफान के समय पे, इस समय तो इतना भयंकर आंधी तूफान आया है, जगह जगह त्राही त्राही मची हुई है, उसको रोकने का केवल एक उपाय है, उससे बचने का एक उपाय भगवान के नाम के शरण में जाना ही चाहिए। आज भी लोग भगवान के नाम के शरण में नहीं जा पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है कि डॉक्टर बचा लेगा, अरे नहीं बचा सकता, डॉक्टर खुद को नहीं बचा पा रहा, आपको क्या बचाएगा, किसी को क्या बचाएगा, वो भगवान ही बचा सकते हैं, केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसे भरोसा करिए, इस पीछे से भरोसा करिए कि केवल भगवान ही रक्षा करेंगे, और भगवान स्वयं आके रक्षा नहीं करेंगे, कौन रक्षा करेगा, भगवान का नाम रक्षा करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, अपने जीवा में अपने दिल में अपने शरीर में इस नाम को उच्चारित करते रहिए, उच्चारित करते रहिए, और सबके लिए उच्चारण करें, फिर देखिए कल मजा किस तरह से जो है भगवान का नाम हमारी रक्षा करता है, डरने की जरूरत नहीं है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीष्मम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम। इस मृत्यु को भी विजय दिलाने वाला जो भगवान नरसिंह भगवान के इस मंत्र को पढ़ते जाइए, देखिए कितना आनंद आएगा। परमजीत प्रभु जी बोले हैं कि प्रभु जी विचलित मन को स्थिर कैसे करें, प्रभु जी विचलित मन है इस समय आपका ही नहीं पूरे विश्व में सबका मन विचलित है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मन सबका इतना विचलित हो रखा है कि अरे करूं क्या, बाहर निकलना हो तो दुश्मन है, ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं दे रहा सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा दुश्मन है जो भयंकर पीड़ा दे रहा है लोगों को, तड़पा के मार रहा है, इस समय मन इतना विचलित है मैं क्या करूं, अब मन विचलित है। लेकिन अगर दिमाग में फोकस एक जगह है, उस मन को ऐसी जगह लगा दिया जहां सुख दिखाई दे रहा है, भगवान की बढ़िया देखिए, वेणुम कुणंतम अरविंद दलायताक्षम वराहवतंसम असिताम्बुद सुंदरांगम, अगर भगवान के उस मुरली बजाते हुए चेहरे को देखिए और भगवान के नाम को स्मरण करिए और अपने मन को उनके तरफ लगा दीजिए और भय मुक्त हो जाइए, भय करने की जरूरत नहीं, भगवान अभय प्रदान करते हैं, भय से मुक्त कर देते हैं, तो मन आपका तभी इमीडिएटली स्थिर हो जाएगा जैसे ही मन को भगवान में लगा दिया और सोच लिया जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, सोच करके और अपने कर्तव्य को पूरा करना है, लेकिन भगवान के ध्यान में मन को बिल्कुल हृदय को भगवान के शरण में लगा करके उस मुरली मनोहर के चेहरे को देखते रहिए निहार करके, और अपने हृदय से निहार करके भगवान का नाम जपिए, मन स्थिर हो जाएगा।
मन बड़े बड़े साधुओं का भी स्थिर नहीं हो पाता, लेकिन भक्तों का स्थिर हो सकता है। आप भक्त बनिए, देखिए मन कैसे स्थिर होता है। तो आज हमने देखा भगवान का नरसिंह अवतार, और भगवान अभी भक्त ने बुलाया है। आप कल के दिन भगवान आएंगे, और किस तरह से आएंगे आप देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा भगवान का आता सुनकर। अरे भगवान ऐसे आएंगे, ऐसे आ रहे हैं भगवान, और फिर भगवान आकर के सबकी रक्षा करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, आप सुन बहुत ध्यान से सुने हैं, आप प्रश्न भी पूछते हैं, कृपया प्रश्न जरूर पूछा करिए, प्रश्न लिख दिया करिए, कुछ भी प्रश्न होता उसको लिखते रहिए, ताकि मैं और अगर समय आज नहीं हुआ तो उन प्रश्नों को जैसे हम करते थे हमेशा करते रहे हैं, प्रश्नों को आप आज के दिन लिखेंगे, हम उन सारे प्रश्नों को कल दूसरे दिन डिस्कस करेंगे। तो ये प्रश्नोत्तर बहुत आनंददायी होता है, अच्छे 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 प्रश्न आप लोग पूछते हैं, ऐसे ही पूछते रहिए। चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्पविराम लेते हैं, हमारा आधा घंटा पूरा हो गया है, और जोरदार, और उम्मीद करते हैं आप सबकी भगवान रक्षा करें, आप सबके परिवार वालों की रक्षा करें, आपके बच्चों की, पिता ससुर जितने भी रिश्तेदार हों उनकी रक्षा करें, आपके दोस्त यारों की रक्षा करें, आपके सामान की रक्षा करें, सब चीज के भगवान रक्षा करें, तब भगवान के नाम को आप ग्रहण करिए। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरि बोल हरे कृष्णा।